अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके दोस्त आपके सामने एक नई सुबह के साथ दोबारा हाजिर। पहले तो सबसे पहले जिस बंदों ने मेरे ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लो, वरना मैं ना सा पाने नहीं दोनिया। चलिए सब्सक्राइब कर लो, तो क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो मेरे ना मोटिवेशन होती है, फिर मेरा दिल करता है मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊँ और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँ। अब देखिए ना, मैं वीडियो बनाऊँगी, आपको खुशी होगी, आपको खुशी होगी तो मुझे खुशी होगी, मुझे खुशी होगी तो सबको खुशी होगी, मतलब सबको खुशी होगी तो मतलब खुशी होना ही चाहिए ना, तो आपके एक लाइक से कितनी ज़्यादा खुशी होंगी। खैर बात छोड़ते हैं, आज सुबह सुबह उठी ना तो मेरे साथ एक बड़ा प्रैंक हो। मेरे साथ ये प्रैंक हुआ कि मैं जब उठी ना तो मेरे मोबाइल की सर्विस नहीं थी, मोबाइल बिल्कुल सर्विस बंद थी और मुझे इस बात पर वो तब चढ़ चुकी थी। तब चढ़ने की बड़ी वजह ये थी कि हम जैसे लाइक स्टूडेंट होते हैं, उनका जो पेपर्स होते हैं तो उन्होंने जो पढ़ना होता है तो पढ़ने के लिए उनको नेट की ज़रूरत होती है और अशर ज़रूरत होती है, और मेरी वाईफाई वाला सिग्नल ख़राब हो गया था क्योंकि मेरे भाई से हो गई थी टॉप क्लास कुत्ते वाली लड़ाई। तो अब लड़ाई में क्या हुआ था हमारे साथ, ये दरवाज़ा खटकी जा रहा है यार, कोई तो खोल दो अल्लाह का नाम है। हम मिडिल क्लास फैमिली का ना सबसे बड़ा मसला ये होता है, कोई भी ना उठ के जहमत नहीं करता दरवाज़ा खोलेगा, हर कोई ये कहता वो खोल लेगा, वो खोल लेगा, वो खोल लेगा। नहीं क्या मतलब है यार, उठो उठो, हिम्मत करो, हौसला करो, खोलो दरवाज़ा, खुद खोलो यार, तुम नहीं खोल सकते क्या। खैर मैंने खुद दरवाज़ा खोला, अपने प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट क्यूट क्यूट हाथों से दरवाज़ा खोला मैं। खैर यार बातों की बात करते हैं, बात ये करते हैं कि मेरे भाई से लड़ाई क्यों हुई थी। हाँ मेरे भाई से लड़ाई इसलिए हुई थी यार, पता है क्या बात क्या हुई कि जो भाई होते हैं ना, ये जाते जाते ना भाइयों बहनों को आई कर जाते हैं, जो आई करके जाते हैं ना तो फिर आई करके मुझे बुरा लग जाता है, तो फिर मुझे जब आई करके बुरा लगता है तो फिर मैं उसको आई करके बाई करती हूँ, जब मैं बाई करती हूँ तो उसको बुरा लग जाता है, बस ये आई बाई करने के चक्कर में मेरे तो वॉट लग जाती है, इसलिए वाईफाई फिर मुझे पासवर्ड नहीं पता चलता। पता है क्या करता, नेट से ना चेंज कर देता, कंप्यूटर लेके बैठ कर चेंज एंड चेंज करता। ये भाई जो होते हैं ना एक नंबर के कसाई होते हैं, लेकिन यार अल्हम्दुलिल्लाह भाई बहनों से बहुत प्यार करते हैं, भाई बहन का रिश्ता जो है ना वो बहुत 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 प्यारा होता है, मतलब हम लड़ते भी उनसे और उनके बगैर रह भी नहीं सकते, और दैट्स अ फैक्ट ऑफ आवर लाइफ, ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सच है। खैर बातों की बात आ जाते हैं आप इस पर पढ़ाई पे। देखिए पढ़ाई मैं आज आपको पढ़ाऊँ, ये पता है क्या पढ़ा रही हूँ, ये आप देखें आप कौन सब्जेक्ट गैस करके मुझे बताइए। फिलहाल मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का बड़ा एक इंपॉर्टेंट किस्सा शेयर करने लगी हूँ। आज मेरे साथ क्या हुआ ये देखें आपको, इसके ऊपर ये लिखा हुआ नजर आ रहा होगा ना, एक तोला सोना जीतने का मौका, मुझे भी क्रश हुआ, मैंने कहा तोला कितना घुमाएंगे, एक सोला सोना जीत लेती हूँ, मम्मा को खुश होंगी सारा कुछ। इसके कहते हुए ना मेरे पापा लाए थे 5-6 सुप्रीम के डब्बे, मैंने उन 5-6 सुप्रीम के डब्बों को ना जिनमें से 2 मेरे पास रह गए तो बाकी तो मेरी अम्मा ने फेंक दिया। खैर तो ये ना मतलब इसकी कोट निकालते ना, मैंने इनको फाड़ के ना ऐसा ना सूट दिया ना, जब मैंने सूट दिया ना इनको फाड़ के, 2 डब्बों को मैंने सूट दिया और 3 डब्बों को मैंने सूट दिया और 2 डब्बे मेरे पास थे ना, तो मम्मा को नहीं पता था कि मैंने सौदे में से ये हरकत की है ना। खैर तो मम्मा को पता चलने लगा कि मैंने ऐसे का हरकत की है, तो मम्मा ने मुझे सही तर मारे, मतलब जो मेरी प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने मुझे सही चित्र और की फेंटी लगाई, ऐसी को फेंटी उन्होंने लगाई ना, मुझे समझ आ गई कि भाई आइंदा ऐसी हरकतें नहीं करनी। मैं आप बता रही हूँ अगर ये डब्बे हों भी ना तो डब्बे संभाल के रखने हैं, वो कहते हैं डब्बे संभाल के रखो और मैंने डब्बे फेंक दिए, अब मेरा तोला निकले भी ना तो मेरा तोला पता नहीं किधर, मैं कह रही हूँ जलील ही हो रहा होगा है भाई।